तो अब हम निकल रहे हैं पटेल नगर की ओर। एक दोस्त है हमारा उज्जवल, जिसने अभी डेयरी प्लांट शुरू किया है, तो मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ एग्रीकल्चर में, तो सोचा कि एक ब्लॉग बना के आते हैं वहाँ से। और अभी ज्वाइनिंग भी मेरी नहीं हुई है, वेडनेसडे ऑनवर्ड से है, तो अभी हम टाइम निकाल के वहीं जा रहे हैं उसी ओर। या और किस टाइप का सेटअप है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सारी किचन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सारा कुछ वहाँ से पता करके आएंगे, क्योंकि वो हमारी पहचान का है, तो थोड़ा सा वहाँ पहुँच के ही और कई चीज़ों के इंसाइट्स मिलेंगे हमें बेहतर तरीके से। तो ये हमारे बलराम भाई हैं, इनका अभी प्लेसमेंट हुआ है और ये पिछले 5-6 सालों से किसानी में काफ़ी इंटरेस्टेड रहे हैं, तो हम देखने जा रहे हैं हमारे दोस्त का डेयरी फार्म हाउस। तो ये हमारे उज्जवल भाई से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि ये कच्चे रास्ते सीधे सीधे आना है, वहीं से आपको हमारी डेयरी दिख जाएगी। यहाँ भोपाल के अंदर भी कच्चे घर बने हुए हैं, गांव जैसा थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है, क्योंकि थोड़ा भोपाल के आउटर एरिया है। यहाँ देख सकते हैं आप, ईंटें आ रही हैं, रोड में देख के कोई बोल नहीं सकता कि हाँ ये फसल लगी हुई है, यही है। नहीं ये नहीं है क्या, डेयरी फार्म है, यही है। तो भाई लोग, हम लोग डेयरी फार्म पहुंच गए हैं। भाई की निंजा यहीं से दिख गई है, हरे कलर की, उसको भी देख के चला के थोड़ा सा फील लेंगे कि भाई महंगी गाड़ी चलाने में क्या अंतर होता है। चलो बेटा शुरू करो। सो भाई, यही हमारे उज्जवल भाई थे जो येलो कलर की स्वेटर में थे, यही डेयरी के ओनर हैं, और सेटअप तो बाकी काफी अच्छा दिख रहा है फोन का। सो या तो यहाँ इनका ये भूसे का टेंट बना हुआ है, अभी हम इसको भी विजिट करेंगे, तो पहले चलते हैं इनका डेली सेटअप देखते हैं अंदर। ये भैंसों के लिए घास फूस है। उज्जवल भाई, कौन सी ब्रीड है ये? सारी मुर्रा है। काफी अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। ये भैया दूध निकालने की तैयारी कर रहे हैं। और ये पर भैंस के लिए आप देखिए पंखे की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉन होती है। ये सुरक्षा के लिए लैब्राडोर बंधा हुआ है इनका कुत्ता प्यारा। ये कमेंट्स ले ले उज्जवल भाई की, भाई ये देखो भाई, ये है अपनी पैकेजिंग, ये है भाई। उज्जवल भाई से इसकी डिटेलिंग लेते हैं। उज्जवल भाई चलो वो इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, तो ये इसी में आप डिलीवरी करते हैं ना पैक करके। ये रिटेल यूज के लिए है, जैसे ये रिटेल यूज के लिए है। लाओ दिखाओ जरा, ये है या फ्रेश मिल्क। कुछ प्राइम कस्टमर होते हैं उनको डायरेक्ट पहुंचा दिया जाता है। हाफ लीटर आराम से, ये आधे लीटर की बोतल है और ये 1 लीटर की पैकेजिंग में है, तो ये कुछ प्राइम कस्टमर्स के लिए है जो कि डायरेक्ट उनके घर पे डिलीवरी हो जाती है पैक होके। ये डिलीवरी बैग है, वाह यार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये लड़के जाते हैं आला दर्जे। तो ये इनका डिलीवरी बैग है, ये देखिए, ये देखिए। तो भाई हम देखते हैं इसका साइड, 30x70 का है ये पूरा, है ना, 30x70 का ये पूरा इनका सेटअप बना हुआ है। ये 30 फीट चौड़ाई है और
यहाँ ये बाहर इनकी और वाह यार, ये देखिए आप चूने के साथ भी थोड़ा सा इनको पानी पिलाने के साथ दाना गलाने के लिए और यहाँ ये पानी के लिए पूरे 30x70 की लंबाई चौड़ाई है इसकी। नहीं नहीं दिखाई नहीं दिखाई ना अभी तो ये पूरा अंदर का पूरा ये देखिए आप पूरा सेटअप और इस तरफ ये इनके बछड़ों की व्यवस्था की गई है। ये यहाँ मैटिंग है इससे क्या रहता है कि भैंसों के घुटने उठने छिलते नहीं है। और ये आप देखिए इनका दाना डला हुआ है सांदी डली हुई जिसको सांदी बोलते हैं गांव में, थोड़ा सा अनाज मिला के भूसे के साथ। तो ये हमारी मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं सारी हरियाणवी। और ये फैन की व्यवस्था जैसा कि बताया गया लाइट की व्यवस्था प्रॉपर, यहाँ निकासी की व्यवस्था है कि इनका जो ही मलमूत्र यहीं से सीधा नाली से बाहर कर दिया जाता है। अभी सर्दी का सीजन है तो ये लगाया हुआ है ताकि सर्दी ना लगे हवा ना लगे डायरेक्ट हमारे पशुओं को। बहुत ही अच्छा डेयरी फार्म सेटअप किया गया है, देखकर मज़ा आ गया। यही मुर्रा नस्ल के वो भैंसे हैं जो आगे चल के काफ़ी अच्छे बुल बनते हैं। और इसी मुर्रा नस्ल का जो युवराज भैंसा जो कि अभी जिसका देहांत हो गया है रिसेंटली हरियाणा का, और कहा जाता है कि इनके एक सीमेंट के डोज का कीमत 400 रुपये तक होती है। तो यहाँ ये कंटेनर रखे हुए हैं। और ये पूरा है ये यहाँ भूसे का सेटअप है उसे स्टोर किया जाता है। ये देखिए यहाँ ये भूसा स्टोर किया जाता है इनका, ये भूसा पड़ा हुआ है तो ये गेहूं का भूसा है। और यहाँ ये हट बनाई हुई है जो भी हो इनके पर्सनल यूज़ के लिए बैठने के लिए। और ये नाम है ऊर्जा डेयरी फार्म। ये हमारे उज्ज्वल भाई की निंजा गाड़ी रखी हुई है काफ़ी महंगी, और ये इनका रहने की जगह है। किसी भी सिचुएशन में आप खाद बना के बेच लो, लकड़ी बना के बेच लो, कंडे बना के बेच लो, इतने का गोबर आप बेच लोगे 50-150 का। अभी अपने पास 15-16 भैंसे हैं तो इनका करीब 150 किलो गोबर होता है पर डे का, पर डे का 150 किलो गोबर। तो गोबर का क्या उपयोग करेंटली? कंडे बन सकते हैं, खाद बन सकता है, या फिर एक लकड़ी बनाने की मशीन है। लकड़ी बनाने की मशीन आ सुना हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताई कि लकड़ी क्योंकि गोबर से ही आप 2-2.5 लाख का बिजनेस कर सकते भैया आराम से, 50 भैंसों के गोबर से 2-2.5 लाख का बिजनेस हो जाता है। तो देखिए आप जिनके बेचते उनके बेचते से भी आप 2-2.5 लाख का बिजनेस कर सकते हैं, मतलब भैंसों का बिजनेस टोटल इकोसिस्टम वाला है। लेकिन भाई आप ये ना सोचे मेहनत बराबर है, स्टार्टिंग के 6 महीने जी तोड़ मेहनत लगने वाली है। ओनर हमारे साथ है, वो भी कर्मचारियों के साथ उनके सिर पे खड़े होकर काम करवाते हैं और यहीं रहते हैं, देख सकते हो सेटअप भी। तो ये हमारे चुलाई का सेटअप है, ये उनके यहीं रहते हैं वो भी उनके साथ। ये देखिए आप यहीं रहते हैं पूरा सेटअप इनके रहने का। तो गाइस मेहनत तो करनी पड़ती है शुरुआत में, एक बार सेटअप फुल सेटअप जमने तक पूरा केयर और बढ़िया देख ले तो दाने वाला नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये भैया ना बैठने की व्यवस्था भी अच्छी, अरे बहुत बेहतरीन है, अच्छा हट और सब बनाया हुआ है। और यहाँ ये चरी बरी लगी है और ये भैंसों का स्नैक है, ये तो ऐसे चलते फिरते खा जाते हैं, चलते फिरते खा जाते हैं। उससे पर ये दूध एक्सटेंड होता है अच्छा चरी से। तो ये इनका ये थोड़ा सा ये पार्टीशन जो अभी हमने दिखाया था भूसे वाला उसी में छोटा सा पार्ट, सॉरी ये दाना रखा हुआ है इनका, तो यहीं से दाना इसमें बिनोला थली है, चुनी है, चापड़ है। तो ये अच्छा ये इनका तौलने का भी रखा हुआ है, तो पर भैंस के हिसाब से ये तौलने के बाद तो पर डे में कितना एक भैंस को लग जाता है उज्ज्वल भाई? अब इसमें किसी भैंस को 3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो ऐसा लगता है, बाकी टोटल जो रेशियो है वो 48 kg पर एक टाइम का, मतलब 96 kg दाना होता है एक जानवर, 48 kg खा जाता है। नहीं नहीं पूरे जानवर जो है 48 kg इनका एक टाइम का दाना इनका खपत है, आधा क्विंटल। हाँ ये इनका कैल्शियम है जो कि उनको मेन रिक्वायरमेंट होती है तो डाइजेशन के लिए और
ये सब ये तो खैर इनकी शॉप से होती है दाने की, बाकी ये फिर कंपनी से डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं, डायरेक्ट हमें होम डिलीवरी मिल जाती है इसकी। दाने क्या क्या है ये? इसमें जैसे बिनोला ये इससे दूध गाढ़ा होता है, ठीक है। हाँ, वो चुनी है, ये चुनी चने से बनती है वो चुनी, ठीक ठीक। वो थोड़ा ताकतवर चीज होती है, और ये प्रोटीन वाली चीज है, ये चापड़ है, चापड़ बन के सकते हैं कि नमक है खाने का, ऊपर से डाला जाता है वैसा। और बाकी इसके अलावा दलिया देते हैं, ये मैश आता है, मैश इसमें सारी चीजें होती है, गुड़ से लेके सरसों वाली इसमें वगैरह सब कुछ मिक्स होता है ये। यार आप डिटेलिंग देख सकते हो, एक एक छोटी छोटी चीज का ख्याल रखा, छोटी छोटी चीज का ख्याल रखा। इंसान अपनी डाइट लेता है, ब्रेकफास्ट लंच प्रॉपर, उसमें कैल्शियम प्रॉपर, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऐसे जानवरों का भी ख्याल रखा जाता है, भैंसों का भी। सही है, तभी तो पौष्टिक दूध आपको मिलेगा, अच्छा दूध मिलेगा। हाँ, खिलाएंगे पिलाएंगे, ठीक नहीं तो चलो कुछ कुछ चीजों पे और यार कर लो, देखो कुछ चीजों पे और भाई के कमेंट्स लेंगे कि यार पैकेट वाला दूध किस एक्सटेंट तक सही होता है, सही रहता है कि नहीं रहता, या हमें डेयरी वाला लेना चाहिए। ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है कि पैकेट वाला दूध वर्सेस डेयरी वाला दूध। वहाँ बहुत अच्छा स्पॉट बना रखा है, वहाँ बैठ के बात करेंगे। बलराम दिखाओ ये, तो वहाँ आपको नज़ारे भी मिलेंगे। खर्चा वर्चा कुछ आता है भाई में? फूड लाइसेंस, हाँ थोड़ा बहुत खर्चा, फूड लाइसेंस का ज्यादा एक्सपेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। तो जो लाइक कितना समय हो गया अपन को डेयरी शुरुआत की? अपन ने करी थी 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को, हाँ 12 अक्टूबर से अपन ने चालू करा था 10 भैंसों से, और करीब 2-3 महीने हो गए, अभी 14 है, 2 और आनी है एक दो दिन में, तो 16 हो जाएंगे। बहुत अच्छा, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको, कितने महीने हो गए? अभी तो 3-4-5 महीने। रिस्पॉन्स तो ठीक है, स्टार्टिंग में मेहनत थोड़ी ज्यादा, स्ट्रगल ज्यादा है। उसके बाद तो थोड़ा सा वहाँ से आप जैसे यहाँ आपने सेटअप किया, तो थोड़ा सा मौसम की चेंजेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी थी? कहाँ से? आपने जो जहाँ से मंगवाए हुए अपने पशु? नहीं नहीं, इनको मतलब प्रॉब्लम नहीं आती ऐसी मौसम से रिलेटेड, बस ये है कि जब जानवर आपका आएगा वहाँ से 48 घंटे का सफर करके, तो करीब 8-15 दिन लेता है दूध पे आने में। 8-15 दिन तक जैसे जिसकी 12 लीटर की कैपेसिटी है तो 8-10, 6-7 लीटर देता है। 10-15 दिन बाद वो फिर अपनी प्रॉपर डाइट पे आता है, फिर प्रॉपर वो अपना दूध देता है। कह लो कि थोड़ा सा थकावट भी हो जाती है, काफी पहले डॉक्टर को बुला के उनका थकावट का। हाँ तो अच्छा, ये अच्छा अच्छा बताया आपने। तो डॉक्टर ये आप मतलब रूटीन वाइज बुलाते हो या फिर कभी दिक्कत होती है तब? कभी मतलब रूटीन तो नहीं, एज पर नीड पे काम चलता है। जैसे हमें लग रहा है कि जैसे आज हमारी इस भैंस की तबीयत खराब है, तो अपने जो भी नियर बाय डॉक्टर है उनसे अपन कांटेक्ट कर लो कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो आप आ जाओ, तो फिर हम उन्हें फ़ोन करके बुला लेते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड ही रहता वो। बहुत अच्छा, तो मतलब कितने का लगभग ये पूरा स्टार्टिंग आपकी कॉस्ट आई थी, इन्वेस्टमेंट कितना रहा था? स्टार्टअप अगर गए तो 10 भैंसों के साथ जो आया था वो 25 लाख के करीब था। 25 लाख के करीब पूरा इन्वेस्टमेंट है, पूरा सेटअप वेटअप सब लगा के, एनिमल्स और एक महीने की डाइट के साथ पूरा दाना भूसा सब मिला के 25 लाख का एक्सपेंस था। 25 लाख का एक्सपेंस था टोटल 10 भैंसों के साथ, दाना पानी एक महीने का, एक महीने सब कुछ। और ये शेड जो ये 40 जानवरों का है, 40 जानवर रखने, 30x70 राइट, 30x70 एनिमल। और ये कितने बाय कितने का है अपना ये भूसे का? 1200 स्क्वायर फीट में है ये, 1200 स्क्वायर फीट में ऑल टोटल। उजला, ये अपन ने ये जमीन लीज पे ली है या फिर अपन ने खरीद ली है? एक एकड़ जमीन लीज पे है। बढ़िया, कितने साल के लिए? ये अभी 3 साल, 3 साल के लीज के लिए। 3 साल में अगर अपने अकॉर्डिंग बिजनेस चला तो फिर तो कहीं भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस बहुत अच्छा है, बस मेहनत है थोड़ी, अगर मेहनत करोगे तो सक्सेस तो जरूर मिलेगी इसमें। बढ़िया, एक चीज और बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये रहता है कि डेयरी वाला दूध वर्सेस पैकेट वाला दूध, वो तो आप खुद ही चेक कर सकते हो घर पे। डेयरी से दूध लेके जाएं उसको रखें और पैकेट वाला दूध लेके आए, जो डेयरी वाला दूध होगा वो 2 घंटे में खराब हो जाएगा, ये उसकी वो है कि ये फ्रेश चीज है। पैकेट वाला दूध जो है वो 7-8 घंटे लेगा खराब होने में, मतलब उससे पता चलता है उसमें कितने केमिकल मिला हुआ है। और डेयरी का दूध आपको सुबह लगेगा तो सुबह ही मिलेगा, पैकेट का दूध प्रिजर्व किया हुआ होता है कंपनीज में, उसको तुरंत फ्रेश नहीं मिलता, डेयरी का दूध हमेशा फ्रेश ही मिलेगा आपको। ये भाई होता, ये चीज देखो खुद जो यहाँ पे उस चीज को पैदा कर रहे हैं या उस चीज को जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनके कमेंट्स हैं कि डेयरी वाला दूध प्रेफर करें ओवर पैकेट वाला और पॉस्चराइज मिल्क, है ना? वो सभी अपने घर पे चेक कर सकते हैं उसको, तो आप दोनों दूध एक साथ रखें और देखें जो पहले खराब होगा वो सबसे ज्यादा प्योर होगा। तो उज्ज्वला, अभी हमारे दूध की खपत नियर बाय मार्केट में ही है या फिर कहीं हम डेयरी पे भी भेजते हैं उसको? दोनों चल रहा है, डेयरी वाले यहीं से ले जाते हैं डायरेक्ट जो होलसेल में लेते हैं, बाकी अपने लड़के लगे हुए हैं डिलीवरी के लिए, वो कॉलोनीज में जा रहे हैं सोसाइटीज में, तो बाकी कस्टमर्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। रिस्पॉन्स अच्छा है, काफी
बढ़ते जा रहे हैं कस्टमर्स, बहुत अच्छा पसंद अच्छा। भी कर रहे हैं दूध को, शिकायत अभी तक नहीं मिली अपने, बहुत बढ़िया दूध गड़बड़ है। क्या कहते हैं थोक में रेट और रिटेलर में रेट क्या है, उसमें थोड़ा चेंज फर्क आता है। जैसे फेड पे चलता है तो अभी जैसे हमारे दूध का फेड है करीब 7.5, तो अभी जिनको हम दे रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वो अभी 55 रुपीज है हमारा, मतलब 55 होलसेल में जा रहा है और रिटेल में 60 चल रहा है। जो बॉटल्स में जाता है पर डे की डिलीवरी वो 60 रुपीज है, क्योंकि उसमें उतना एक्सपेंस हो जाता है अपना बॉटल को लेके, और फिर लड़का डिलीवरी करने जाएगा तो उसमें एक्सपेंस एड हो जाते हैं, तो इसलिए उस पर 5 रुपए प्लस होता है। बढ़िया बहुत अच्छा। तो मतलब फैट के हिसाब से ही रेट ये डिसाइड होता है, हिसाब से ले लो, डेरी वाले लेते हैं मावा के हिसाब से, मावा के हिसाब से जिसमें 240 ग्राम मावा होगा एक लीटर दूध में, तो वो 50 प्लस की उसकी प्राइस होती है। बाकी तो फिर ऐसा जो मिलावट करेंगे तो 200 ग्राम 210 ग्राम 220 ग्राम दूध रहेगा, मावा रहेगा उसमें। तो पर डे अपना कितना प्रोडक्शन हो जाता है दूध का? 14 एनिमल्स में हमारा 170 लीटर दोनों टाइम का मिला, दोनों टाइम का मिला के। बहुत बढ़िया। तो भैया अगले 2-3 महीने का अपना टारगेट क्या है? हम टारगेट तो ये जून तक हमें ये शेड पूरा भरना है, 40 एनिमल्स कंप्लीट करना है जून तक 6 महीने के अंदर। तो अभी मतलब ऐसा है कि जो भी प्रॉफिट अपन कमा रहे हैं वो अभी अपन और बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी उससे मतलब सिर्फ बिजनेस में ही लगाना अभी उसको। मैंने वही बोला था कि 5-6 महीने तो उससे कमाने का मत सोचो, सिर्फ उसको डालो, उसमें डालो पैसा। तो भैया की ये बहुत महत्वपूर्ण बात कि 5-6 महीने आप उससे निकालने का मत सोचो, आप चाहो कि सेटअप हो जाए बढ़िया तो बार आप जम जाओ उस पे। तो भैया कुछ और हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ ऐसा सजेशन जो आप देना चाहें शुरुआत करने के लिए हमारे भाई लोग जो सोच रहे हैं? ऐसा अगर आप अपने होम टाउन में कर रहे हैं तो छोटे लेवल से भी कर सकते हैं, 2-3 जानवरों से जैसे आपके घर में व्यवस्था है बांधने की, अगर इतना बड़ा सेटअप नहीं करना है धीरे धीरे एक एक भैंस करके बढ़ाएं, जरूरी नहीं है कि इकट्ठी 10 भैंसें बुलवाई जाएं, जैसे आपकी सेल होती जा रही है वैसे आप एक एक भैंस बढ़ाते जाएं, तो ऐसे भी छोटे लेवल से भी शुरू कर सकते हैं। तो भैया ने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई छोटे लेवल से भी शुरुआत कर सकते हैं, बस लेकिन थोड़ा सा शुरुआत में मेहनत ज्यादा है। हाँ बस आपको स्ट्रगल काफी हद तक रहेगा। और भैया जानवर की हेल्थ और उसका खाना पीना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा, क्योंकि वही आपकी जो प्रोडक्ट है वही है आपका, वही है सब कुछ, हमारी एसेट्स वही है। अगर एक भी जानवर को अगर कुछ हो जाता है तो हमारा सीधा 1-1.5 लाख रुपए टूटता है, 1-1.5 लाख का नुकसान है। तो अगर थोड़ा भी लगता है कि भैंस कम खा रही है, उसको मोशंस हो रहे हैं या कोई परेशानी में है वो, तो अभी तक आप कुछ ऐसा केस देखने को मिला कि आपके जानवर की तबीयत थोड़ी सी खराब है? तबीयत डाउन हुई है काफी, 2-3 भैंसों को बॉटल्स वगैरह लगानी पड़ी थी, 1-2 भैंसों को मोशंस हो रहे थे, अभी जैसे एक भैंस है वो खा नहीं रही है तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसे कई बार हो जाता है जानवर बोल तो नहीं पाता, वो हमें देख के समझना पड़ता। अभी रिसेंटली एक भैंस के पेट में दर्द था, वो बैठ रही थी फिर उठ रही थी, उसका पेट फूल गया था, तो हमें करीब ये चीज़ हमें 12-13 घंटे बाद समझ में आई कि उसका पेट फूल रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर वो फिर डॉक्टर को बुला के उसका ट्रीटमेंट कराया, डॉक्टर बढ़िया। तो अभी तो ये भी बहुत जरूरी चीज़ हम सीख सकते हैं कि भाई आप शुरुआत कर रहे हो तो एक डॉक्टर का पता होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा नॉलेज हो जानवर होगा या फिर एक डॉक्टर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, डॉक्टर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, वो जानवर बोल तो पाता नहीं है तो उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, समझना आपका सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक बार अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो किसी डेयरी फार्मर से जाके आप विजिट कर लें, पूछ लें, जान लें कि कैसे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो गाइस ये है ऊर्जा डेयरी फार्म का बोर्ड और यहाँ नंबर भी मेंशन है, अगर आपको दूध की रिक्वायरमेंट है या कुछ भी तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये एड्रेस अभी हम पूछ लेते हैं। उज्जवल भाई अपना एड्रेस क्या है डेयरी का? भाई ये अपना ओरिएंटल कॉलेज के पास है, ओरिएंटल कॉलेज के पास, और यहाँ से अगर अपन बाईपास जाएंगे तो बिसाइड अतिथि होटल, बिसाइड अतिथि होटल, ठीक है। तो एड्रेस मेंशन कर देंगे ना हम? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो भाई हमें निंजा मिली है तो थोड़ी सी शौक मिटाने के लिए हम थोड़ी सी मोटो ब्लॉगिंग भी कर लेंगे। ये अपने उज्जवल भाई की निंजा है ना, तो और थोड़ी देख ले भाई, मैंने भी कभी निंजा विंजा पे नहीं बैठा हूँ, है ना, देखते हैं ये हवा से बात करती है तो बस कोई भगा लेते हैं। अच्छा अच्छा ओके अच्छा, तो भाई ये है निंजा 650 ना, निंजा 650 है, किसी को खरीदनी हो तो नीचे नंबर दे दूंगा मैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए में ये सेल के लिए है, तो अब देखते हैं अपन कैसे क्या चलती है। आओ अनुराग
साउंड सुनी सकते। चले चलो बेटे, चल रही है, मुझे दबा के बैठना पड़ रहा है। डेली बेसिस के लिए आगे है तूफान। हाँ भाई, क्या रिव्यू देना चाहोगे? भाई शानदार है, आवाज़ से बात करती है, ऐसी लपकती है कि आपको मज़ा आएगा। सो 650 निंजा फॉर 2.5 लाख रुपीज़, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो।